हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, हम सबका फेवरेट पनीर। तो पनीर की मैं पनीर मलाई कोफ्ता बनाने वाली हूँ और मेरे वीडियो को फुल देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा और मेरे वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी मेरे रेसिपीज़ को देख के घर पर ट्राई कर सकें। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे भी आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलके बनाते हैं पनीर मलाई कोफ्ता एट होम। सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर के कोफ्ते। उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया है, कॉर्नफ्लावर पाउडर लिया है, मैदा लिया है, काले मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया है स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर लिया है। इससे एक आपके कोफ्तों में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। सबसे पहले हम इसको उन सबको मिक्स करके मैश करेंगे। 1 टेबलस्पून के अराउंड मैदा और 1 टेबलस्पून के अराउंड कॉर्नफ्लावर पाउडर हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डाल देंगे और इलायची पाउडर भी हम थोड़ा सा डालेंगे और इन सबको अच्छे से मैश करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमें इसे गून लेना है। अगर आप मार्केट का पनीर यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप ग्रेट कर लें और फिर उसको आप इस तरह मिक्स करके फिर मैश करें। और अब हम थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन लड्डू के शेप का ले लेंगे और इसको इस तरह राउंड राउंड बॉल्स बना लेंगे। इस तरह मैंने सारे पनीर के बॉल्स प्रिपेयर कर लिए हैं। और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे 1 कप के अराउंड और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए आप एक बार देख लो और उसके बाद फ्लेम को लो कर दो और बहुत ही केयरफुली आप एक एक पनीर के कोफ्तों को फ्राई करो। फर्स्ट टाइम में तो आपको एक ही पनीर कोफ्ते को फ्राई करके ट्राई करना चाहिए। जब आपका हाथ सेट हो जाए तो आप एक साथ दो कोफ्तों को फ्राई कर सकते हैं, 2-3 को। और फ्लेम हम लो करेंगे, नहीं तो फिर वो गोल्डन ब्राउन तो हो जाएगा लेकिन अच्छे से पकेगा नहीं। ये देखिए कितना क्रिस्पी और अच्छा सा आपका पनीर कोफ्ता रेडी हो गया है। इस तरह हम सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। ये आपस आपकी कढ़ाई में चिपके ना, इसीलिए इसका एक ट्रिक है कि आप इसके ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहें। इसमें हमने मैदा और कॉर्नस्टार्च डाला है जिससे कि ये बाइंडिंग भी करता है, साथ साथ इसके अंदर तक तेल नहीं जाता है। तो ये देखिए आपके पनीर कोफ्ते अच्छे से फ्राई होके रेडी हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बॉल्स। तो हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। उसके लिए हमने वो जो पनीर कोफ्ता की जो फ्राई किया था तेल, उसी में से हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे एक कढ़ाई में, 2 टेबलस्पून के अराउंड। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले तेज पत्ता। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज का पेस्ट। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको पीस लिया था, तो इससे आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, स्मूथ ग्रेवी। और अब हम यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है, ये भी हमारे 2 टेबलस्पून के राउंड है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून के राउंड। और अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, इसको एक बहुत ही अच्छा सा कलर देने के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और इलायची पाउडर। और हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इन सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
और ये मैंने डाल दी इसमें दही। ये मैंने 1 कप के अराउंड दही डाली है। दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया था, स्मूथ पेस्ट बना लिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे आपकी ग्रेवी बहुत स्मूथ सी और अच्छी सी बनेगी। और अब हम इस पर डाल देंगे काजू का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 7-8 काजू को पानी में भिगो के रखा था, फिर हमने इसको मिक्सी में पीस के एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लिया है। इसको पेस्ट बनाते वक्त आप इसमें दूध का यूज़ कर सकते हैं पानी की वजह, जिससे कि आपका ग्रेवी और रिच और अच्छा टेस्टी से बने। और अब हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। जैसे ही ग्रेवी में से तेल निकलने लगे, ये देखिए आपकी ग्रेवी। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। और इसमें जैसे ही उबाल आने लगे, हम इसमें एक एक करके सारे पनीर के कोफ्तों को हम इसमें डाल देंगे। अब हल्के हाथों से इसको हिला दें। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और इसे ढक के हम 3-4 मिनट तक इसे पकने देंगे, ताकि सारे कोफ्तों के अंदर अच्छे से ग्रेवी जाए। और अब हम इसमें फाइनली डाल देंगे मलाई। ये मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है, क्योंकि हम घर ही में खा रहे हैं तो ज़्यादा रिच बनाने की क्या ज़रूरत है। 2 टेबलस्पून के अराउंड मैंने मलाई डाली है। और इसको हम मिक्स कर देंगे। ¶¶